Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. A very good morning to all of you. स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल Achievers में. मैं हूँ श्वेता और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी 27th of January 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं. सो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बट उससे पहले जो हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक एचीवर्स बेब को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से सब्सक्राइब कर लें एंड टैप द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट. ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हर साल अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? When is International Custom Day celebrated every year? तो International Custom Day जो है ये every year 26 जनवरी को मनाया जाता है. ठीक है, 26 जनवरी को हर साल अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है. ओके, सीमा सुरक्षा बनाए रखने में कस्टम अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका को मान्यता देने के लिए कस्टम संगठन द्वारा इसे हर साल अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है. ठीक है, क्यों मनाते हैं? सीमा सुरक्षा बनाए रखने के लिए जो कस्टम अधिकारी और जो एजेंसी है उनकी जो भूमिका है सीमा सुरक्षा बनाए रखने में, उनकी भूमिका को मान्यता देने के लिए 26 जनवरी को हर साल अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है. राइट, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. भारत के राष्ट्रपति ने 26 जनवरी 2021 को कितने लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की घोषणा किए हैं? ठीक है, अभी सम्मानित किया नहीं गया है, अभी घोषणा हुई है. राइट, हाउ मेनी पीपल हैव बीन ऑनर्ड विद पद्म अवार्ड्स बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 2021? इसका राइट आंसर होगा 119. ऑल ओवर 119 लोगों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा. ओके, इसकी अभी घोषणा की गई है. तो देखिए इस सूची में जो है 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा. पद्म विभूषण हमारे कंट्री का सबसे सर्वोच्च सम्मान जो है. दूसरा पद्म भूषण है जिससे 10 लोगों को सम्मानित किया जाएगा. और तीसरा पद्मश्री जिससे 102 लोगों को सम्मानित किया जाएगा. अब इनमें से देखिए आप नाम याद रख सकते हैं. पद्म विभूषण से देखिए पहले शिंजो आबे हो गए, इनको सम्मानित किया जाएगा. दूसरा SP बालासुब्रमण्यम, इन्हें मरणोपरांत इन्हें सम्मानित किया जाएगा. डॉक्टर बेले मुनप्पा हेगड़े, नरिंदर सिंह इन्हें भी पोस्थ्यूमस यानी मरणोपरांत इन्हें सम्मानित किया जाएगा. मौलाना वाहिउद्दीन खान, राइट, इन्हें सम्मानित किया जाएगा. बीबी लाल एंड सुदर्शन साहू, तो आप नेम याद रख सकते हैं. 7 लोगों को, टोटल 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा. नेक्स्ट देखिए, पद्म भूषण से 10 लोगों को सम्मानित किया गया है. आपको सारे लोगों का नेम याद नहीं रखना है, बट जो इम्पॉर्टेंट है इनमें से उनको जरूर याद रखना है. ठीक है, तो जैसे हो गए कृष्णन नायर, शांता कुमारी चित्रा, तरुण गोगोई, इन्हें पोस्थ्यूमस दिया गया है यानी मरणोपरांत इन्हें सम्मानित किया जाएगा. केशुभाई पटेल हो गए, इन्हें भी पोस्थ्यूमस सम्मानित किया जाएगा. केशुभाई पटेल ये फॉर्मर CM ऑफ गुजरात. रामविलास पासवान हो गए, तो इन लोगों को जो है आपको याद रखना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. हाल ही में भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किया गया है, इसका आयोजन कब से कब तक किया गया है? रिसेंटली भारत पर्व 2021 हैज बीन इनॉग्रेटेड, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन ऑर्गेनाइज्ड? इसका राइट आंसर होगा 26 to 31 जनवरी. ठीक है, अभी 26 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया और इसका आयोजन जो है ये कब तक चलेगा? 31 जनवरी, 31 जनवरी तक इसका आयोजन चलेगा. भारत पर्व जो है ये वार्षिक पर्व है, यानी वार्षिक इसे एवरी ईयर इसे मनाया जाता है ये पर्व को. और इसकी शुरुआत जो है इस बार 2021 में इस पर्व की शुरुआत ओम बिरला ने की थी. ठीक है, ओम बिरला कौन है? ओम बिरला हमारे लोकसभा स्पीकर है. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को पीछे छोड़कर कौन सी देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? रिसेंटली विच कंपनी हैज़ बिकम द मोस्ट वैल्युएबल कंपनी लिविंग बिहाइंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड? इसका राइट आंसर क्या होगा? TCS. ठीक है, TCS जो है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को पीछे छोड़ करके देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है. ओके, वैल्युएबल कंपनी इन इंडिया, दैट इज TCS.
ओके, TCS टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति ने कितने जीवन रक्षा पदकों की श्रृंखला के सम्मान को मंजूरी दी है? हाउ मेनी लाइफ सेविंग मेडल्स हैव द प्रेसिडेंट अप्रूव्ड ऑफ द ऑनर ऑफ द सीरीज? देखिए, राष्ट्रपति ने, हमारे प्रेसिडेंट ने ये 40 लोगों को, सॉरी 40 जीवन रक्षा पदकों की श्रृंखला के सम्मान को मंजूरी दी है। ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 40 लोगों के लिए जीवन रक्षा पदक श्रृंखला के पुरस्कार 2020 से सम्मानित करने को मंजूरी दी है। कितने लोगों को? 40 लोगों को। पुरस्कारों में एक व्यक्ति को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पैड, एक व्यक्ति को क्या मिलेगा? सर्वोत्तम जीवन रक्षा पैड, 8 लोगों को उत्तम जीवन रक्षा पैड और 31 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक शामिल है। और वो एक व्यक्ति जिन्हें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पैड, सॉरी यहाँ पैड नहीं पदक होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से जिन्हें सम्मानित किया गया है वो है केरल के मोहम्मद मुहसिन। ठीक है, इन्हें मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाल ही में भारत ने किस राज्य तट से एक एकीकृत परीक्षण रेंज से आकाश NG सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? रिसेंटली इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड आकाश NG न्यू जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल फ्रॉम एन इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज फ्रॉम विच स्टेट कोस्ट? इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा तट पे इस न्यू जनरेशन मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल है ये, जिसका नेम है आकाश NG। ठीक है, इसकी परीक्षण की गई है उड़ीसा के तट पे। ठीक है, याद रखिएगा। और किसके द्वारा किया गया है? DRDO के द्वारा। ओके, DRDO के बारे में आप लोग को सबको पता होगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसे फाउंड किया गया था 1958 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। राइट, और इसे फाउंड किया गया था अवनीश चंदेर के द्वारा। ऑल राइट, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? रिसेंटली हु हैज सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय लॉन्चिंग 143 सैटेलाइट्स फ्रॉम अ रॉकेट? इसका राइट आंसर होगा SpaceX। SpaceX के द्वारा न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है बाय लॉन्चिंग 143 सैटेलाइट फ्रॉम अ रॉकेट, यानी एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट को लॉन्च करके एक न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है SpaceX के द्वारा। ठीक है, SpaceX के द्वारा लॉन्च किया गया है इसे। SpaceX जो है ये अमेरिका का एरोस्पेस मैन्युफैक्चर कंपनी है, जिसको फाउंड किया गया था, यहाँ देखिए 2002 में फाउंड किया गया था इसे 6 मई को, एंड इसके फाउंडर कौन है? एलोन मस्क। ओके, CEO, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हाउथॉर्न कैलिफोर्निया में, यूएस के कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में चीटी की नई प्रजाति उकेरिया जोसी किस राज्य में खोजी गई है? रिसेंटली इन विच स्टेट हैज द न्यू स्पीसीज ऑफ एंट यूकेरिया जोसी हैज बीन डिस्कवर्ड? देखिए, केरला में अभी चीटी की नई प्रजाति जिसका नेम है उकेरिया जोसी, इसको डिस्कवर किया गया है। ठीक है, किस राज्य में किया गया है? केरला में। राइट, केरला जिसका कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है तिरुवनंतपुरम, गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। पिनराई विजयन यहाँ के CM है। एरिया वाइज रैंक कितना है? 21st और 13 अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वाइज। नेक्स्ट, नेशनल पार्क देखिए, केरला का अन्नामुदी 16 नेशनल पार्क हो गया, इराविकुलम नेशनल पार्क हो गया, मथिकेतन 16 नेशनल पार्क, पम्बुदम 16 नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो ये सारा नेशनल पार्क जो है ये केरला का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता जीती है? रिसेंटली हु हैज वॉन द 10th नेशनल आइस हॉकी कॉम्पिटिशन? इसका राइट आंसर होगा भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, यानी ITBP, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, तो 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी टूर्नामेंट जो है ये ITBP के द्वारा जीता गया है। ओके, रनर अप कौन रहा? लद्दाख, याद रखिएगा। ITBP जो है ये गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है और इसे चाइना के साथ
जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है LAC उसकी सुरक्षा का काम सौंपा गया है, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में और एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है, SS देसवाल जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP। एंड इसे फॉर्म किया गया था 1962 में 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में संपन्न हुए 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किसे पीकॉक अवार्ड जीता है, किसने पीकॉक अवार्ड जीता है। सॉरी, मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ती हूँ। हाल ही में संपन्न हुए 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है। विच फिल्म हैज़ वॉन द गोल्डन पीकॉक अवार्ड एट द रिसेंटली कॉन्क्लूडेड 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इनटू द डार्कनेस, इनटू द डार्कनेस ये फिल्म है जिसे गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है, ठीक है। 51 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिसका एडिशन था 51 और इसका वेन्यू कहाँ था, गोवा, ठीक है। गोवा में ये 16 से स्टार्ट किया गया था और 24 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया था। तो 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस कौन से फिल्म ने जीता है, इनटू द डार्कनेस। ऑलराइट, और इसमें जो है, और इस फिल्म फेस्टिवल में फोकस कंट्री कौन सी थी, बांग्लादेश, ठीक है, याद रखिएगा, फोकस कंट्री बांग्लादेश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर। हाल ही में चर्चा में रहा नाकुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। रिसेंटली इन विच स्टेट नाकुला पास हैज बीन डिस्कस्ड। नाकुला पास जो है रिसेंटली अभी न्यूज़ में था, इंडिया और चाइना में अभी रिसेंटली झड़प हो गया था। चाइना की जो सेना है पूर्वी सेक्टर में सिक्किम के इसी रीजन में नाकुला दर्रा के पास जबरन घुसपैठ करने की कोशिश की थी, इसी कारण से यहाँ पे झड़प हुई थी दोनों मिलिट्री के बीच में। तो ये कहाँ लोकेटेड है, सिक्किम में, ठीक है। मैप पे देखिए, नाकुला पास इस रीजन में सिक्किम, ये सिक्किम का रीजन है और ये इंडिया चाइना का बॉर्डर है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर रीजन में जो है ये पास नाकुला दर्रा ये लोकेटेड है। और नाकुला और नाथुला दर्रा में आप कंफ्यूज मत होना, नाथुला दर्रा भी सिक्किम में ही लोकेटेड है बट ये इस रीजन में लोकेटेड है यहाँ पे, ठीक है। इंडिया चाइना के बॉर्डर पे ही लोकेटेड है ये सिक्किम में इस रीजन में, ओके। नाथुला पास जो है ये इंडिया चाइना के बीच ये ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्ट है, तीन ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्ट है इंडिया चाइना के बीच में, जिनमें से ये एक है नाथुला पास, ओके। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और भी बहुत सारे पास हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उनमें से हो गया जोजिला, राइट, जोजिला पास जो कि जम्मू कश्मीर में है, बारालाचा जो कि जांस्कर रेंज में हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। नेक्स्ट रोहतांग पास, रोहतांग जो कि ये पीर पंजाल रेंज में हिमाचल प्रदेश में ये भी लोकेटेड है। और हो गया माना पास जो कि चाइना इंडिया बॉर्डर पे लोकेटेड है उत्तराखंड में, राइट। और एक है जालेप दर्रा जो कि ये लोकेटेड है ईस्ट सिक्किम में, इंडिया रीजन, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन जो है और चाइना के बीच में ये लोकेटेड है जालेप दर्रा, ओके। तो ये सारे जो पासेज हैं इनको याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखिए सिक्किम के बारे में, कैपिटल क्या है, गोंगटोक। इसे 16 मई 1975 में एक्ट 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन के द्वारा इसे वाइसवा राज्य बनाया गया था, ठीक है, इंडिया का 22nd स्टेट बनाया गया था। किस अमेंडमेंट के थ्रू, 36th अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है, इन 1975। और गवर्नर कौन है, अभी गंगा प्रसाद गवर्नर है सिक्किम के, प्रेम सिंह तमांग यहाँ के CM है। एरिया वाइज रैंकिंग 27th है एंड जनसंख्या के हिसाब से यानी पॉपुलेशन वाइज जो है 28th है, यानी सबसे छोटा राज्य है ये सिक्किम अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी की गई है, इस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। रिसेंटली द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 हैज़ बीन रिलीज्ड, विच प्लेस इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड इन दिस इंडेक्स। इसमें इस इंडेक्स में देखिए ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में इंडिया का रैंक 7th है, ठीक है, इंडिया का रैंक 7वां है
इन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, और 2019 में इंडिया का रैंक 9th था, ठीक है, और इस बार जो है ऊपर हुआ है, ये 7th रैंक पे है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। ओके, तो याद रखिएगा इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, ठीक है। सो इसको रिवीजन करते रहिए। अभी इस मंथ जो है कौन कौन सी इंडेक्स रिलीज की गई है, हिनले पासपोर्ट इंडेक्स, जिसमें इंडिया का कितना रैंक है, इंडिया का 85th है, एंड जापान जो है ये टॉप कंट्री है, ठीक है, जापान फर्स्ट नंबर पे है। दूसरा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, जिसमें इंडिया का रैंक फोर्थ प्लेस पे इंडिया है, और यूएस जो है अमेरिका और टॉप पे है, और हो गया इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, जो कि नीति आयोग के द्वारा इसे रिलीज़ किया गया था। ओके, और इसमें इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में टॉप स्टेट कौन है, कर्नाटक, राइट, कर्नाटक जो है टॉप पे है, एंड यूटी में दिल्ली टॉप पे है, और नॉर्थ ईस्ट रीजन में सिक्किम टॉप पे है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है इंडेक्स से रिलेटेड। ओके, और यस, ये जो है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है इसे रिलीज़ किया गया है जर्मन मौज के द्वारा। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र ने आर्थिक और सामाजिक मामलों की उच्च स्तरीय बोर्ड में नामित किया है। रिसेंटली विच इंडियन इकोनॉमिस्ट हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस टू द हाई लेवल बोर्ड ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। इसका राइट आंसर होगा जयति घोष। ये इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं और इन्हें संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आर्थिक और सामाजिक मामलों की उच्च स्तरीय बोर्ड में इन्हें नामित किया गया, यानी नॉमिनेट किया गया है। किनको, जयति घोष को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र देने की घोषणा की गई है। रिसेंटली हु हैज़ बीन अनाउंस्ड टू गिव महावीर चक्र पॉस्थ्यूमसली। इसका राइट आंसर होगा कर्नल संतोष बाबू। इनका पूरा नेम है कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू, ठीक है। इन्हें जो है ये आर्मी ऑफिसर थे, बिहार रेजिमेंट से थे ये। तो ये 2020 में लद्दाख के गलवान वैली में जो झड़प हुई थी इंडिया चाइना के मिलिट्री के बीच में, उसी में ये शहीद हुए थे, ठीक है, 2020 में 15 जून को। तो इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र जो हमारे देश का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, इससे इन्हें सम्मानित करने की घोषणा की गई है। कर्नल संतोष बाबू जो थे, यह 1967 के बाद पहले भारतीय सशस्त्र बल कमीशन अधिकारी थे, और 1975 के बाद से चीनी आर्मी के खिलाफ कार्रवाई में मारे गए पहले भारतीय सैनिकों में से एक थे, ठीक है, कर्नल संतोष बाबू। तो याद रखिएगा, इन्हें पॉस्थ्यूमसली महावीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, युद्ध काल के दौरान प्रदान किए जाने वाले वीरता पदक, जिसको परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ये सम्मान जो है ये युद्ध काल के दौरान प्रदान किए जाते हैं, ठीक है, यानी युद्ध काल के दौरान यानी जब युद्ध चल रहा हो तो उनमें जो हमारे सैनिक शहीद होते हैं उनको ये परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है, और शांति काल के दौरान प्रदान किए जाने वाले वीरता पदक को अशोक चक्र, कृति चक्र और शौर्य चक्र कहा जाता है, ठीक है। शांति काल के दौरान जो दिया जाता है जब युद्ध ना चल रहा हो, राइट, तो याद रखिएगा। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे पे। क्वेश्चन क्या था, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रपोज टू सेट अप इट्स 6th रायमोना नेशनल पार्क। इसका राइट आंसर होगा आसाम, ठीक है, आसाम गवर्नमेंट के द्वारा 6th रायमोना नेशनल पार्क सेटअप करने की घोषणा की गई है, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों ने दिया था शनाया शर्मा, राजवल अग्रवाल, अंजलि कुमारी, अंकित ठाकुर, ठीक है, तो वेल डन गाइज। इसी तरीके से आप लोग कंटिन्यू आंसर किया कीजिए। ओके, नेक्स्ट आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हेन विल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ऑप्शन ए जनवरी 27, ऑप्शन बी जनवरी 28, ऑप्शन सी जनवरी 29 एंड ऑप्शन डी जनवरी 30। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग सभी कमेंट जरूर कीजिए। ऑल राइट,
ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। इसके PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एंड डेली GK GS क्यूज़ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो हमारे चैनल पे नए हैं, वो जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड एज यूजुअल, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। ओके गाइज, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।